खासी खासी मिस हो और ये बंदा वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज है सैटरडे जो कि वीकेंड मेरे लिए तो एक त्यौहार के बराबर होता है भाई, सैटरडे संडे की छुट्टी। सो आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मोस्ट सब कुछ हमने पैक कर लिया है सब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रुके थे, ठीक है, और आज हम निकलेंगे शायद शिलोंग। शिलोंग में एक दो जगह है वो कवर करके, उसके बाद वहाँ से हम लोग एक वाटरफॉल है। ब्रो सतीश, ब्रो सतीश, ब्रो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वाटरफॉल? वाटरफॉल द बिग वाटरफॉल फिल्ले वाटरफॉल नो नो फिल वेयर वेयर वी आर गोइंग फिल है फाइव फाइव वाटरफॉल वी आर गोइंग। उसके बाद वहाँ से हम लोग गुवाहाटी जाएंगे और उसके बाद फिर एक वीकेंड का इंतज़ार होगा हमारा और फिर हम नई लोकेशन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। सो अभी तक का इतना प्लान जो हमारा मतलब बनाया हुआ है, जो मतलब अब तक का है, बाकी पता नहीं चेंज हो सकता है कभी भी। और यार टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के। यार टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा, लोगों का बिहेवियर इन लोगों के चक्कर में मतलब मजा आया। बाकी तो मतलब कहीं कहीं कुछ लोग तो ऐसे मतलब क्यों आ गए मेघालय तुम लोग, ऐसा मतलब ऐसा थोड़ा सा बिहेवियर था, बट बिकॉज ऑफ जिस होटल में रुके थे इनके चक्कर में हमें लगा कि हाँ ठीक है यार, काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा इनके साथ में फैमिली की तरह में। सर्विस काफ़ी अच्छी थी यार, ये नहीं कि मतलब होटल में बंदे आए हुए उनके चक्कर में, बट टू बी ऑनेस्ट कि ये ऐसा फैमिली की तरह ट्रीट भी कर रहे थे। सो बहुत अच्छा मोमेंट रहा इनके साथ में, आप यहाँ पे आए। सो जिस जगह से आप आ रहे हैं, आप भी उन लोगों को अपने स्टेट की अपनी जगह की मतलब वो करना, ये नहीं कि पी के ड्रामे करने, नहीं। सो कम हेयर, मोस्ट वेलकम, यहाँ रुकिए, जगह काफ़ी बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन है टू बी ऑनेस्ट। सो हम निकलते हैं भाई फिर आगे की तरफ, जो लोकेशन है वहाँ पे मिलके बात करेंगे। मैं जगह पर रुके, मैं दो चीज़ें अच्छी अच्छी मिली, नई चीज़ मतलब ये यहाँ का लोकल बादाम, लोकल बादाम, और ये क्या था, ये सोखला सोफलम सोफलम है यहाँ का, ये मतलब अच्छा है, ट्राई करना। और उसके बाद में थोड़ा सा वो आपको नमक मिलेगा, चटनी मिलेगी मस्त वाली, वो ट्राई करना, और तो कुछ है नहीं। और ये जरूर ट्राई करना, ये तो भाई मतलब मीठा, मैं कह रहा हूँ खाना मत खाना, पर ये जरूर खाना, 40 रुपये में यार वो सस्ता है यार, ये लेना। अभी हमारा देखो पत्ते के अंदर बन चुका है, सो एक हम लोग पूरा खा रहे हैं और एक पैक करा के ले जा रहे हैं, ये भी हम ही खाएंगे। मैंने कहा आप आओगे ट्राई जरूर करना भाई ये। तो भाई पीछे एलिफेंट कर रहे हैं यार, एयरफोर्स मतलब म्यूजियम है, अभी तो क्लोज था, वो क्या है मतलब COVID-19 के चक्कर में। सो पास में ये एक एलिफेंट वाटरफॉल है जो कि अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, यहाँ से उसकी एंट्री है। वेलकम टू वाटरफॉल। अब आप सोचोगे एलिफेंट वाटरफॉल मतलब क्या नाम है, रेनबो वाटरफॉल, आपको समझ में आया कि हाँ वहाँ पे रेनबो था, मतलब यहाँ पे क्या है ना, जो एलिफेंट का आपको सामने का मुँह है ना, उसका वाटरफॉल गिरता है, आपको वैसा लगेगा, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा ही होगा, जाके साथ में देखते हैं, ठीक है चलते हैं फिर भाई। जहाँ पे वाटरफॉल पे आया मतलब यहाँ पे एक बंदे का 100 रुपये इस वाटरफॉल के लिए, तो हमें समझ नहीं आया। तो शशांक भी कह रहा है कि भाई रहने दे नहीं चलते, भाई भी कह रहा है कि नो, तो मतलब यार बहुत देख लिया, उसके बाद भी ना इस चीज़ के लिए इतना पैसा वेस्ट करना, 100 रुपये बड़ी चीज़ नहीं है, बट फॉर दिस थिंग लाइक इट्स टू मच यार, इट्स टू मच। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, आपको अगर आना तो आ जाना, यहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है पर सब जगह इन्होंने मिटा दिया, देखो जस्ट अभी नया पेंट है पूरा का पूरा, तो हमें लग नहीं रहा इतना ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता एक्स्ट्रा ले रहे, तो हम नहीं जा रहे भाई। हम लोग इस टाइम पर एंटर कर चुके हैं खासी विलेज की तरफ, और इसका जो पूरा नाम है खासी हेरिटेज विलेज, हाँ हेरिटेज फॉरेस्ट भी है और विलेज भी है। सो जो मतलब खासी लोग होते हैं मतलब जो मेघालय के लोग, वो यहाँ पे वर्शिप करते हैं मतलब पूजा इस जंगल में। देखो कितना घना जंगल है ये, देखो ये बहुत घना जंगल है वाला, आपको देख रहे हो उसकी शक्ल देखो, और ये पूरा व्यू है ये देखो।
आप चाहो यहाँ पे ट्रैक व्रैक भी कर सकते हो। जो हम लोग का बिल हुआ ये देखो, इसमें ये है पूरा जो बिल है हमारा, ये इसमें है। हाफ ट्रैक कर सकते हो 350 में, फुल ट्रैक 550 में। उसके बाद आपका ये है टू व्हीलर के लिए है 50 रुपये, फोर व्हीलर के लिए है 100 रुपये। कैमरा, ओ माई गॉड, मैंने बताया नहीं कैमरा का। तो टोटल हम लोग का 3 बंदों का 70 रुपये लगा है, ठीक है। सो आप आओ टाइम निकाल के यहाँ पे जंगल में। साथ हम जाएंगे जंगल में? नहीं जाएंगे भाई, हम लोग को मैं देख लिया यहाँ पे ऐसा ही है। अंदर आप जाके घुस सकते उसमें वहाँ पे, क्योंकि कल हमने इतना लंबा ट्रैक किया था ना पूरा जंगल में, और वो भी रात को वापस आए मैं और ये। और भाई मतलब इनको लगता नहीं कि वापस आना चाहिए, कह रहे हैं कि क्या जाएं, चल लेट इट बी यार। सो अभी देखते हैं, अगर हम अंदर की तरफ कहीं और भी जगह जाएंगे यहाँ पे तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं उसके बारे में। सो आपको इसके बारे में समझ में आया, खासी वो हेरिटेज विलेज, खासी यहाँ की लैंग्वेज हेरिटेज मतलब पुराना विलेज, और लाइक पुराना फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे। खासी लोगों का बहुत पुराना ये फॉरेस्ट भी है जहाँ पे ये लोग पूजा वूजा भी करते हैं, और ग्राउंड काफ़ी अच्छा है। आप आओ यहाँ पे, यू कैन सिट हेयर, यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, गर्लफ्रेंड, विद एनीवन, फ्रेंड। सो हमारा भी कुछ ऐसे ही प्लान है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम हमें स्पेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है ज़िंदगी में। खासी विलेज फ्रॉम स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से यहीं से स्टार्ट है पीछे से ही, और आप अंदर की तरफ जा सकते हो अगर जाना चाहो तो, बट मैं तो नहीं जा रहा अभी क्योंकि वैसे ही मैंने देख लिया, बता दे रहा हूँ वीडियो में। ये बोर्ड है, यहाँ से एंट्री है, यू कैन गो, ठीक है। कुछ टाइम आप यहाँ स्पेंड कर सकते हो, यहाँ पे कुछ शॉप है खाने पीने की, ठीक है। और ये पार्किंग की जगह पूरी इतनी यहाँ पे ये भाई मिला, इस भाई ने बताया मुझे। क्या नाम भाई आपका? या माय नेम इज वनक्रॉबक वेश, यू कैन कॉल माय निकनेम। ओके, सो ही टोल्ड मी अबाउट दिस प्लेस, लाइक फ्रॉम दिस बोर्ड, आफ्टर दिस बोर्ड खासी विलेज स्टार्ट, एंड ये दिस इज अ फॉरेस्ट एज वेल, यू कैन डू ट्रैक इफ यू वॉन्ट। But as you know, yesterday I did lot of track, more than 38 kilometer track, man, the very difficult. He was भाई ये चीज़ देखो रे, इतना सारा है, ये पूरा भरा पड़ा हुआ है, 130 रुपये, मतलब 110 रुपये में दे देंगे आपको अगर आप बोलोगे तो। और ये सब 40 रुपये, और ये पता हमने ये नींबू लिया बड़ा वाला 25 रुपये का नींबू लिया हमने। और ये चीज़ क्या आंटी? छोटा वाला आमला, आमला है ना, देखा जट को पता है। सो काफ़ी सस्ता है, बड़ी गाड़ी लेके आओ तो खरीद के सब ले जाना, मैं तो कह रहा हूँ घर पे अपने, बहुत सस्ता है, टू चीप। अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ शिलोंग में, और वहाँ से कल सुबह हम लोग किसी एक जो वाटरफॉल था ना वहाँ पे जाएंगे। क्या नाम था वाटरफॉल का भाई? फिली है, क्या नाम था? फेफे वाटरफॉल। हम सुबह से निकलेंगे, अभी तो होटल में जा रहे हैं। एक बात बतानी थी, इसलिए मैंने कैमरा बाहर निकाला। भाई यहाँ की जो ठंड है ना भाई, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा रिएक्ट कैसे करना है, मतलब माइनस में भी नहीं है और इतना ज़्यादा ठंड है भाई, और अलग वाली ठंड है बिल्कुल, जो मैंने मतलब इससे पहले ऐसी ठंड फील नहीं करी है, मतलब अलग ही ठंड है यार, मतलब रिएक्ट कैसे करना समझ ही नहीं आ रहा, माइनस में भी नहीं है मेरे ख्याल से। ये देखो मौसम, देखो ऐसा मौसम है, लग रही है। और चेहरा पूंजी भाई ऐसा ही था, 4:30 बजे तक आप टी शर्ट घूम सकते हो, 4:30 बजे तक, शाम के 4:30 बजे तक। उसके बाद मतलब आप ना 4:30 बजे के बाद ऐसा होता है भाई, मतलब इतनी खतरनाक ठंड कि आप कहोगे कि ये कपड़े भी कम है भाई, बहुत ठंड है भाई जनवरी में, इस टाइम जनवरी 2021 में बहुत ठंड है। तो भाई होटल जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद सुबह हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल मिलते हैं। और क्या नाम था उसका, नाम कहना सुबह नहीं वो, थैंक यू क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ भाई, इस वीडियो को देखने के लिए कुबलाई शुभोन, मतलब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुबलाई शुभोन। ये ब्राउनी के बाद मैंने एक ऑर्डर किया चिकन डैनिश, थैंक यू सो मच। और ये बंदा कहता इसने ना यार ये वाली पेटिस ली, ये वाली कहता भाई कहता यार वेज वाली चीज़ें ही छोटी छोटी रखते हो, ये मतलब ये भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो हमने ये लिया काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है। वो बंदे ने वो भाई मैंने तेरे को वो दिया था, क्या दिया था मेरे को, वो नहीं चाहिए ना तेरा, नहीं भाई तूने मेरे में से लिया था यार, ये गंदा होता है। हाँ भाई
दे मेरे को भी दे भाई। मैंने तो इसको ना मैंने इतना बड़ा दिया था भाई, इतना बड़ा, ये देखो ना इतना छोटा दिया है यार। बस काशी फूड खाने के लिए यहाँ पे, तो भाई ये खाया ना मस्त लगा। काशी फूड खाने के बाद वो पहले दिखाते हैं कैसा लग गया, उसके बाद आप बताना आपको कैसा लगा वो, और फिर हम खाने के बाद बताऊँ कि वो मुझे कैसा लगा, ठीक है? तो चलते हैं सुन। हाँ भाई किस लिए आए यहाँ पे? काशीपुर काशीपुर टरक्टोरिया समथिंग आई थिंक। ड्रिंक ही चलाओ यार, So we are completely serving the khasi also the cuisine. So we have the pork, the kanbe chicken, the mutton and the fish. Okay. And the veg meal as well. Veg meal is also there? Yeah. What is there in the veg meal? Like we have the indigenous preparation, like we have the radish mash, the white sesame, and then we have the veg, mixed veg. Curry. Mixed veg fry. Okay, so in Kashi food, which is like very famous food. So like you know we have the pork platter. We have the pork platter and then the country chicken platter. Okay. And then the fish platter and the mutton platter. This is a famous Kashi food. I mean you can see through YouTube that everybody likes it. Yeah. Okay. And the reviews and the rating. Okay. Thank you. You go with pork. Yeah. That's all. We'll decide what we are today. You go with pork. Pork platter. This is the country the chicken. Special. And this is a complete pork platter. Okay. It is a complete veg, 100% veg meal. 100% no? 100% yeah. 100% pakka. No, since, you know, a non-veg guy, you know, I really respect with the... Okay. So, this is a chowk. This is a chowk. First, एक रोड यहाँ से और एक रोड यहाँ से जा रहा है ये वाला। We'll go to a lake in और पार्क स्ट्रीट फूड के लिए हमें यहाँ पे जाना है। तो स्ट्रीट फूड के लिए खा के देखते हैं पर स्ट्रीट फूड इस तरह पर ये रहा इरा ये चिकन या पोक 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 चिकन टिक्का ये पोक दिस इज द पोक राइट हां सो दिस इज द स्ट्रीट फूड हाउ मच फॉर दिस मैन 100 रुपीस एवरीवन एवरीथिंग वन वन स्टिक Only one stick. Yes. It's costly, man. What costly? Give some discount, bro. No, So, भाई अभी हम just यहाँ पहुँचे हैं market में शिलोंग में और ये सतीश लेके आया हमें यहाँ पे। सतीश भाई कौन सी? Central market नहीं आ की है? Central point. सेंट्रल पॉइंट ऑफ शिलोंग सो अभी हम जा रहे हैं भाई काशी फूड खाने के लिए। काशी फूड खाएंगे और देखेंगे कुछ भी लोकल होगा तो वो खाएंगे। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे ज़्यादा स्टे किया नहीं हमने, सो यहाँ घूम नहीं पाया था मैं, तो इसलिए जस्ट अभी हमने अभी पहुँचे ही हैं, बैग फेंका बैंग होटल में और फिर निकल चुके हैं बस। अब चलते हैं। और हाँ मास्क देखो तो मास्क पहन गया है, मतलब अब समझ नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी, मतलब COVID-19 रिपोर्ट हमारी चेक हुई ठीक है, COVID-19 रिपोर्ट के बाद भी यहाँ मास्क पहनना पड़ रहा है यार। चलते फिर जब पहले फूड दिखाते हैं, आगे का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। इस वन ठीक नहीं है क्या? हो गए हैं? हो गए हाँ, ये लेते नहीं वाला मैं ये खाऊंगा। दिस इज रेंटल और लाइक फॉर शो अप ओनली फॉर सेल
Okay, I was thinking like four. I think veg. This one is veg. Man, why you all? हम लोग आ गए होटल में. चाबी मेरे पास है क्या? हाँ चाबी मेरे पास है भाई. चाबी मेरे को लगा शशांत ना आगे खड़ा हो गया. मेरे को लगा चाबी उसके पास पड़ी हुई है. सो ये देखो चाबी कितनी सी है और ताला कितना बड़ा. 102 रूम नंबर. आपको अपना होटल रूम भी दिखाई देते हैं. चलो ये हमारा रूम और ये वॉशरूम. एक्चुअली एक जरूरत तो है, हमारे पास फोन्स बहुत सारे हैं और